हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपको हाथ घुमाकर बॉलिंग कैसे करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे कि भैया एक वीडियो बनाइए कि जहां पर आप मुझे ये बताओ कि कैसे मैं अपने हाथ घुमा के बॉलिंग कर सकता हूं। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि मेरा हाथ नहीं घूम पाता, लोग मुझे कहते हैं कि मैं भट्टा बॉलिंग कर रहा हूँ या मैं चक कर रहा हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आती हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ और आपको ड्रिल्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं और अपने गेम को ग्रो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपने भी अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है तो वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं और नए अपडेट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो केसेस के बारे में जो आपको समझना है और ये नोट डाउन करना है कि आप किस केस के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस समझते हैं, जब भी आप बॉलिंग करते हो तो देखो जैसे हाथ घुमाकर बॉलिंग कैसे होती है। जैसे मैं ये एक्शन ले रहा हूँ तो मेरा ये एक्शन है, ठीक है, मैं स्लो करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरा एक्शन है, इससे मेरा कहीं भी जर्क वाला मोमेंट नहीं हो रहा है, राइट। अब होता क्या है, जो मैंने खुद देखा है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो देखा है कि वो चक करते थे, उनका भट्टा जाता था बॉल। वो कैसे जाता है बताता हूँ आपको। सबसे पहली दिक्कत ये होती है कि आप जैसी बॉलिंग करते हैं तो आपके दोनों हाथ एयर में आते हैं और ये हाथ पहले गिर जाता है, ये हाथ फिर मुड़ के आता है, ऐसे फेंकते हो आप बॉल। ऐसे सामने से दिखाता हूँ आपको, ऐसे गिरा और आपने ऐसे बॉल फेंका, ये मुड़ जाता है बहुत ज़्यादा कोनी। देखो साइड से दिखा सकते हैं, ऐसे कोनी मुड़ जाता है। अब जब ऐसे कोई नहीं मुड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है बॉल आपका भट्टा ही जाएगा और आपका बॉल हमेशा चेकिंग में ही आएगा कि लोग आपको ओवर नहीं डालने देंगे अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो, ठीक है। सबसे पहली दिक्कत। दूसरा केस क्या होता है कि जैसे कई लोगों का एक्शन भी थोड़ा सा क्लीन होता है लेकिन क्या होता है कि ये नॉन बॉलिंग आर्म है वो बहुत जल्दी गिर जाता है और ये वाला हाथ नीचे रह जाता है। अब जैसे ही उसको ऊपर लेकर आते हैं तो ये हाथ यहाँ की पावर तो नहीं लगाता, पहले यहाँ की लगाता है, ऐसे करके फिर ऐसे फेंकते हैं वो बॉल। समझ में आ गया, दिखाता हूँ आप, ऐसे दिखाता हूँ। ये रखा आपने, ये देखा, अब ये हाथ पहले गिर गया, अब ये हाथ बहुत लेट आता है, इतनी लेट आता है कि इसको यहाँ से पावर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे बॉल फेंकते हो अब ये, तो इसीलिए आपकी कोहनी बैंड हो जाती है। ये दोनों केसेस मैंने लाइव देखे, इन पर इनको मैंने ठीक भी कराया है, इसकी वीडियोज मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, राइट। तो कैसे करना है आपको इम्प्रूवमेंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको बॉल नहीं लेनी है, जो भी आपका एक्शन है, आपका जैसा भी एक्शन है, आपका एक्शन यहाँ से आता है, आपका एक्शन यहाँ से आता है, क्या या आप यहाँ पर होल्ड करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको बिल्कुल सर्कुलर मूवमेंट करनी है, ये पहले ऐसे हाथ घुमाना सीखना है, ये करा, पहले आपने हाथ घुमाना सीखना है, ये इसमें अगर आप देखोगे तो मैं कहीं भी मेरी मूवमेंट ब्रेक नहीं हो रही, मेरे मूवमेंट में पूरा फ्लो चल रहा है। तो सबसे पहले आपको शेडोज करनी है। इसकी शेडो आप कैसे कर सकते हो, जैसे ये नेट है तो आप देख सकते हैं मैं इसके बिल्कुल पास खड़ा हूँ, तो आपने ये करना है और इसके पास से हाथ लेकर आना है, ये देख रहे हो, ये करना है आपने, इसको अपने एक्शन में डालना है, बस इसको अपने मसल मेमोरी के अंदर ट्रेनिंग करनी है, मतलब मसल मेमोरी के अंदर इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये रहा, ये किया, ये रहा, ये किया, और जो हाथ है आपका वो सीधा इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, ना तो बाहर जाना चाहिए ऐसे, ना इधर जाना चाहिए ऐसे, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से आपने पहले ड्रिल ये करनी है। इसके कितने रिपीटेशन करने हैं, 100, 200, 50, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी हाथ है वो साथ में नहीं आने चाहिए, ऐसे करके नहीं आने चाहिए, राइट, ऐसे करके नहीं आने चाहिए। और जो आपका हाथ है ना, ये जो हाथ है, ये जो हाथ, सेपरेशन होना चाहिए दोनों हाथों में थोड़ा सा। जैसे आपको कोई भी एक्शन है, मानो कि आप ऐसे करके फेंकते हो तो आप दोनों हाथ ले आते हो, तो जैसे ही हाथ नीचे आएगा तो बॉल डायरेक्टली जर्क हो जाएगा, भट्टा आने लगेगा आपका हाथ। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सेपरेट करना है। कैसे करोगे सेपरेट, देख लो, साइड से दिखाता हूँ। जैसे मैं ये एक्शन ले रहा हूँ तो अभी मेरे ऐसे दोनों हाथ आ रहे हैं, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, राइट हैंड को ही पहले ले आऊँगा, उसके बाद लेफ्ट हैंड को लाऊँगा, तो ये क्लीन हो जाएगा मेरा एक्शन। समझ में आ गया, ये ट्राई कर सकते हो। ये करा आपने, ये पहले लेकर आए फिर ये लेकर आए, ये इससे क्या होगा कि आपका एक्शन में पूरा स्मूथ आएगा और देखो सर्कल पूरा चलेगा बराबर, देख रहे हो, पूरा बराबर सर्कल चलेगा, इस तरीके से चलेगी सारी चीज़ें। तो ये आप कर सकते हो, इससे क्या होगा कि इससे आपका जो मोशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में जर्क आना बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप, अब जो लोग हाथ नहीं घुमा पाते उनको लगता है कि यार मैं अगर सपोज़ मैं मेरा हाथ मोड़ेगा नहीं, अगर मैं जर्क नहीं मारूंगा तो बॉल तेज कैसे जाएगा, है ना। तो इसके पीछे मैं आपको आंसर बताना चाहता हूँ कि भाई आपकी जो बॉलिंग है ना, जो भी आप बॉलिंग अभी कर रहे हो वो बिल्कुल भी करेक्ट बॉलिंग नहीं है। तो अगर आप गलत चीज़ों में तेज़ फेंकोगे तो कौन आपको खिलाएगा, मान के चलो कि आप जर्क में बहुत तेज़ फेंक रहे हो, 150 फेंक रहे हो, मानो कौन खिलाएगा आपको, आपको जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो भाई इससे आपकी बॉल अभी कितनी भी स्पीड में आ रही है, कैसी भी जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। बट क्या करो, बॉल लो खड़े खड़े, जैसे नेट है यहाँ पर,
आपको क्या करना है, बॉल लो अपने हाथ में और खड़े खड़े आपको नेट पे बॉल फेंकनी है। मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। आपको इस तरह ड्रिल करनी है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लेदर की बॉल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी आपके पास बॉल है उससे आप ड्रिल कर सकते हैं। और कोशिश करो कि ये जो आपका जो कोनी है वो बैंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। इससे आपकी जो चकिंग की प्रॉब्लम है या हाथ घुमा के आप बॉलिंग नहीं कर पाते वो इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।